विनायक कंस्ट्रक्शन के चार गिट्टी लोड गाड़ी ही बिना रॉयल्टी के, क्या बाकी सब गिट्टी लेकर जा रहे गाड़ियों के पास है रॉयल्टी पर्ची? गिट्टी परिवहन कर रहे गाड़ियों की जांच नहीं होने से हो रहा राजस्व क्षत। खराब सड़कों को लेकर लंबे समय से हड़ताल चलती आ रही है। अभी की दृष्टि से जनता की सबसे बड़ी मांग यही है कि अच्छी सड़कें जल्दी बन जाए, पर टेंडर ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में चला जाता है कि अच्छी सड़कों का सपना सपना ही रह जाता है। विनायक कंपनी द्वारा शासन को राजस्व क्षति पहुंचाते हुए सड़क निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण में बिना रॉयल्टी के गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। SDM डिगेश पटेल ने गिट्टी लोड चार गाड़ी की कागजात जांच करने पर पाया कि सभी चारों गाड़ी के पास किसी प्रकार का कोई रॉयल्टी पर्ची नहीं है। SDM पटेल ने तत्काल चारों गाड़ियों को सुरक्षा की दृष्टि से धरमजयगढ़ थाने में रखवा दिया गया है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ चार गाड़ियों की ही रॉयल्टी जांच क्यों की गई? पत्थलगांव से करसिया सड़क निर्माण का काम विनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी द्वारा सड़क निर्माण में लगाए जा रहे गिट्टी कहां से ला रही है, इसकी जांच खनिज विभाग द्वारा नहीं की जा रही है, जिसके कारण शासन को लाखों की राजस्व क्षति हो रही है। विनायक कंपनी द्वारा कापू की ओर से भारी मात्रा में गिट्टी परिवहन की जा रही है। स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि विनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी जहां से गिट्टी परिवहन कर रहे हैं, क्या उस गिट्टी खदान को गिट्टी बेचने की अनुमति है? स्थानीय प्रशासन अगर गिट्टी परिवहन कर रहे सभी गाड़ियों की कागजात की सही तरीके से जांच करे तो शासन को लाखों की राजस्व आय होंगे। धरमजयगढ़ से मुकेश मौर्य की रिपोर्ट। ये जो अभी गिट्टी खाली करके गए गाड़ी किसकी थी भैया? विनायक। विनायक की। और ये गिट्टी कहाँ से आ रहा है? कापू रोड। जगह? SK क्रेशर। SK क्रेशर से।